भ्राता कुंभकर्ण, हे भ्राता कुंभकर्ण, भ्राता कुंभकर्ण, मंत्रीवर, मुझे लगता है भ्राता कुंभकर्ण पगार निद्रा में नहीं है, इसे जगाने का प्रयास कीजिए। भ्राता कुंभकर्ण के लिए मांस एवं मदिरा का कुछ ऐसा नियम किया जाए, ऐसा महाराज कुंभकर्ण जी। भ्राता कुंभकर्ण, मैंने कभी तुम्हारी निद्रा में व्यवधान नहीं डाला, किंतु कुछ ऐसी घटनाएं घट गई जिसकी वजह से तुम्हें जगाना पड़ा। हे भ्राता कुंभकर्ण, हमारी बहन सुलफ़ा गंगापुर में भ्रमण के लिए गई थी, वहां पर अयोध्या के दो राजकुमार राम और लक्ष्मण, जिन्हें पिता ने धक्के मारकर वन में भेज दिया था, उनके साथ उनकी नारी सीता थी। तो हमारी बहन सुलफ़ा जब वहां गई तो सीता से वो कुछ वार्तालाप करने लग गई। हे भ्राता, इतने नहीं, छोटे जो तपस्वी था लक्ष्मण, उसने हमारी बहन के नाक कान विहीन कर दिया। वो रोती बिलखती हुई भ्राता खरदूषण और तिसरा के पास गई, किंतु राम ने अकेले में एक ही बाण से उनका वध कर दिया। वो रोती बिलखती उसके पश्चात मेरे पास आई। हे भ्राता, मैंने अपने कुल की मान मर्यादा और प्रतिष्ठा के लिए उन तपस्वियों से रण छाड़ लिया, और मैंने उनकी जो भार्या जनक नंदी है उसका हरण करके ले आया। वो पहुंचते हुए लंका में आए और उन्होंने लंका पर चढ़ाई कर दी है। हे भ्राता, उनसे भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है, इसलिए मुझे आज अपने भ्राता की आवश्यकता पड़ी है। सुनी दसे कंधर बचन कवे कुंभकर्ण विलखान, जगदम्बा हरियाणी अब कटकाहत कल्याण। ज्ञानी, तू जगदम्बा जगत जननी को वाला है और अब यहाँ कल्याण की बात करता है। बल ने कीने ते निति चरना अरोही आई जगा एही कहा। हे राक्षस, तूने यह अच्छा नहीं किया है, यह पाप करके मुझे जगाने आया है। अजय उठाते त्यागी अभिमाना, अजय राम हो
कल्याणा। हे रावण अभी भी वक्त है, तू श्री राम का भजन करो ताकि आपका कल्याण हो सके। दशती से मनोज प्रभु नायक, जाके हनुमान से पायक। जिसके श्री हनुमान जैसे सेवक हो सकते हैं, वो क्या श्री राम जी के असली साधारण मनुष्य हो सकते हैं। है बंधु ते कीनी पोठाई, प्रथमई मोई ने सुनाई आई। हे भाई तूने बहुत गलत किया है, जो मुझे पहले आकर नहीं बताया। नारद मुनि मोही ज्ञान जो पैहा, कहते उतोरी समय निर्दया। हे भाई नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान बताया है मैं तुम्हें बतलाता हूँ, पर अब बताने से क्या फायदा, अब तो समय बीत रहा है। अब भरी अंक भेटो मोई भाई, लोचन सुफल करो मैं जाई। हे भाई अब तो अंतिम बार गले मिलकर मुझे गले मिल लो, मुझसे गले मिलो ताकि मैं इन नेत्रों से श्री रघुनाथ जी के दर्शन करके पावन में धन हो जाऊं। भ्राता कुंभकर्ण को मदिरा और भक्षण के लिए मांस की व्यवस्था की जाए। सरकार की जय। ये जो सामने बादल से उमड़ते आ रहे हैं, ये रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण अपनी सेना को लेकर के आ रहा है। काई चक्कर है, ये बीवी सर कल अंगद का रोल करे और यही ना सब चीज बता दी। ये देख लो बीवी सर बीवी सर करे भाई देख ले। मैं तो बेबस होकर के और यहाँ राम जी की शरण में आया हूँ, क्योंकि वहाँ लंका में जब मैंने धर्म और नीति की बात की कि माता जगदम्बा को वापिस कर दीजिए, तो रावण ने बड़े भाई ने मुझे नाक मार करके लंका से बाहर निकाल दिया। अब मेरा इसमें क्या दोष? तो बढ़िया रहे हो भाई। हाँ कल लंगा तो आज भी विष्णु ने नहीं दे दिया यार। ऐसे करना ना चाहिए। अपन को तो पता है यार, अपन को तो पता है जो नहीं कोई पता तो भी ना लगाया मेरे को। अरे भाई रावण तो काल के बस में हो गया है, अब वह उत्तम शिक्षा मान नहीं सकता। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, पयोता निजी चर कुलभूषण। हे विभीषण धन है धन है धन है, तुम तो राक्षस कुल का शरणहार हो गए हो। भजन करम मन कपट तजी, बजउ राम रणधी। जाहुने निज पर सूझ मोही, भयउ काल वसुवी। विभीषण अब तुम जाओ, अब मेरे सर पर काम बन रहा है, अब मुझे अपनी और किसी पराये की कोई। जैसी आपकी आज्ञा। आप सुग्रीव हनुमान तुम इस सेना को संभालिए, इसे मैं संभालता हूँ। Ah!